गुड इवनिंग हेलो हेलो नमस्ते सत्या सलाम आदाब कैसे हैं आप सभी Just मुझे चैट में बताइए जस्ट एक दो मिनट देते हैं ताकि बाकी लोग ज्वाइन कर सकें। थोड़ा हम लेट हो गए हैं तो माफी चाहूंगा आप सभी से स्टार्ट uh, करते हैं स्लोली जस्ट बाकी लोग को ज्वाइन करने दीजिए मेरी स्क्रीन आप मुझे देख सकते हैं और मेरी वॉइस ऑडिबल है जस्ट मुझे थम्सअप या यस दीजिए यस सुमितेंक्स अखिलेश यस येस यस थैंक यू गाइज थैंक यू थैंक यू फॉर ए फीडबैक जस्ट मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इस वजह से मैं आउटसाइड इंडिया हूँ तो इसी वजह से मेरा फोरकास्ट भी आपने देखा होगा वो लेट आया है और ये यहाँ पर मैं साढ़े ग्यारह बजे में रात की तो मैं रात को लेट कर रहा हूँ ट्रैवल की वजह से थोड़े इश्यूज़ हैं देख सकते हैं हम फ्रूटफुल सेसन करेंगे आई होप आप सीखेंगे जो नए हैं यहाँ पर हम एनालाइज करते हैं नए सेटअप जो हैं आपके क्वेश्चंस लेता हूँ आपके कुछ डाउट्स हो जिससे आपको कुछ हेल्प मिल सके वो हम यहाँ पर करेंगे ठीक है जस्ट आपको बताना चाहता हूँ ये हमारा थर्ड वेबिनार है टिकमिल के साथ हमने ऑर्गेनाइज किया है ट्वेंटी फर्स्ट नवम्बर और मंडे को हम नाइन पी एम यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं आप देख सकते हैं जो शेड्यूल है सेवन टू ट्वेंटी एट नवम्बर नाइन पी एम इंडिया टाइम ये हमारा तीसरा वेबिनार है जैसे मैं बता चुका हूँ और एक लास्ट वेबिनार रहेगा वो ट्वेंटी को रहेगा डिस्क्लेमर जो भी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है एजुकेशन के लिए पर सीख सके सीख सकें एक्सपीरियंस कर सके उसके बाद फिर आप ट्रेडिंग के लिए अप्लाई करें और यहाँ पर कुछ सेटअप देखेंगे मैं ट्रैवल की वजह से कुछ सेटअप नहीं देख पाया कुछ टाइम इश्यूज से तो आज मैं ट्रेडिंग नहीं कर पाया तो मैं पर्सनल सेटअप तो नहीं आपको दिखा पाऊंगा आपके कोई सेटअप हो आपके कोई इश्यूज हो आपके कोई क्वेश्चन हो वो मैं यहाँ पर देखूंगा तो जस्ट चैटिंग में देखना चाहूंगा जस्ट कंफर्म कीजिए आप कहाँ कहाँ से हैं आप जुड़े हैं ताकि सभी से मैं कनेक्ट हो सकू जस्ट एक आइडिया हो सके कि कहाँ कहाँ से हैं लोग जो मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं जब बताइए गुजरात कोल्हापुर गोरखपुर महाराष्ट्र रांची एज रेगुलर फ्रॉम कर्नाटक गुड तारा नोएडा बलरामपुर भुवनेश्वर पुणे आगरा गोरखपुर ओके असुतोष या ऐसी कॉमन कॉमन नेम्स तो जो रेगुलर है मैं उनको तो देख रहा हूँ जो काफी टाइम से आते हैं नासिक सर आज दो साल हुआ तो फिर सिस्टम बंद आज के लिए कौन सा सिस्टम है एक्सलेस डिटेल में पूछिए ठीक है योगेश पाटिल कोल्हापुर हिमातारी गोवा ओके okay, गाइज थैंक यू जिन्होंने भी ज्वाइन किया है यहाँ पर ठीक है होपफुली आपके लिए फ्रूटफुल सेशन रहेगा कुछ टॉपिक्स हैं मेरे माइंड में जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा बाकी आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है सेटअप के लिए अगर आप कुछ देख रहे हैं हरियाणा नवीन कुमार ओके ट्रिस्टॉपर्स गोवा ओके गाइस चलिए तो हेलो दिस इज अनीता खवर फ्रॉम लंजनाRenderTarget ओके वेलकम अनीता हेलो सर हेलो हेलो ओके जैसे मैंने बोला गाइस मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो कुछ टाइम डिफरेंस की वजह से मैं ट्रेडिंग नहीं कर पाया तो पर्सनल सेटअप तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा कुछ टॉपिक है माइंड में जो वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा तो शेड्यूल इस तरीके से है टॉपिक उसके ऊपर डिटेल में आपके क्वेश्चन उससे रिलेटेड हूँ आप पूछिएगा और आपके कोई सेटअप हो या कोई ट्रेड देख रहे हैं पेयर बाई पेयर एनालाइज कर पाएंगे और आपको फोरकास्ट जो मिला होगा आज सुबह मॉर्निंग में मिला होगा आप देख पाए होंगे होपफुली आपको उससे कुछ हेल्प मिलेगी नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है और फिर आप एनालाइज करके ट्रेडिंग कर ठीक है इज ऑन तो मुझे बताइए आने वाले हफ्ते में कौन सी मेजर न्यूज है अगर आप अवेयर रहना चाहिए न्यूज के लिए कौन सी न्यूज है जो आने वाली है आपकी ट्रेडिंग के लिए इम्पेक्ट करेगी किस पेड़ पे है जो न्यूज आने वाली है जो मेजर है आने वाले हफ्ते के लिए अगर आपने फोरकास्ट देखा होगा तो आपको तो डेफिनेटली पता होगा मैं इंटरेक्शन रखना चाहूंगा इस हफ्ते थोड़ा इस वेबिनार में आपके साथ आप बात कर सके मेरे से वेंसडे को अविनाश बिल्कुल ठीक किस पेड़ पे नवीन कुमार जीबीपी बी जीवीपी पे क्या है बताइए मैं सर ओ जी यूएसडी फोर आवर को हेड एंड शोल्डर दिखाता है तो सेल ऑर्डर लगाना चाहिए अंकित बिल्कुल न्यूजीलैंड के ऊपर बैंक रेट्स है तो वो डिपेंड करता है की न्यूजीलैंड जीवीपी यूएसडी बिल्कुल अमीनाशुक है तो न्यूजीलैंड के ऊपर अगर आप मैं यहाँ पर आपको कैलेंडर शेयर करना चाहूँगा फुल आप कैलेंडर देख पा रहे होंगे तो जो फोरकास्ट में भी अगर आपने देखा होगा जो वीकली मैं आपको देता हूँ यूट्यूब पर और अगर आप फॉलो करते होंगे तो उससे आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे होंगे एनजीडी के ऊपर बैंक रेट का डिसीजन है जो आप देख सकते हैं ये टाइम इंडिया का टाइम नहीं है क्योंकि मैं इंडिया से बाहर हूँ तो आप अपने हिसाब से देखिए कि एनजेडी जो है वो किस टाइम पर आ रही है अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या है हर एक करेंसी अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है उसका मतलब क्या है करेंसी

किसी कंट्री का इंटरेस्ट रेट ज्यादा जाता है हाइक जाता है आप वहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि तो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो करेंसी की स्ट्रेंथ वैल्यू बढ़ती है आप वहां पर इन्वेस्ट करेंगे वहां पर उस करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी ठीक है तो वीक नहीं होगी अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा अगर इंडियन करेंसी में जो इंटरेस्ट रेट है उसको वो कम करते जाएंगे क्या आप वहां पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे बैंक में यस yes या नो तो आरबीआई के पास ज्यादा करेंगे तो यही चीजेंटल जस्ट बेस आपके क्लियर होने चाहिए नो okay? no. तो इसी वजह से एनजेडी का आप देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट आप देखिए कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहे हैं अब ये तो इंक्रीज कर ही रहे हैं यूएसडी भी इंक्रीज कर रहा है जो आप देख रहे हैं सभी कंट्रीज अब इंक्रीज कर इंक्रीज क्यों कर रहे हैं इंक्रीज क्यों कर रहे हैं क्या हो रहा है किस क्या रीजन है कि ये हो इन्फ्लेशन बिल्कुल जैडम मुझे नाम नहीं पता आपका क्या जी एम लिखा हुआ आ रहा है करेक्ट आंसर इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन रिड्यूस दीप पीस इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन बिल्कुल ठीक है गाइस तो मैं आप और मैं सेम पेज पर हैं. है ठीक तो, है ना तो एटलीस्ट ये चीज फंडामेंटल आपको क्लियर है ताकि आप ट्रेडिंग के लिए बाकी चीजें फिर आप नॉर्मली ट्रेडिंग कर सकें जब आपको ये चीजें पता होती है तो इन्फ्लेशन हाई है इन्फ्लेशन हाई है, है क्यों है क्योंकि ज्यादा बढ़ रहे हैं जाद, प्राइस ज्यादा बढ़ रहे हैं लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं जो भी उनकी इनकम हो रही है उनको स्पेंड कर रहे हैं जितना स्पेंड करेंगे उतने ज्यादा डिमांड बढ़ रही है तो क्या है सप्लाई कम हो रही है सप्लाई कम होगी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी प्राइजेस क्या होंगे हाई या थोड़ा स्टेटिस्टिक में जा रहा हूं पर जरूरी है आपके लिए कभी कभी ये सेशन भी जरूरी डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है प्राइजेस ज्यादा जाएंगे प्राइस ज्यादा जाएंगे, जाएंगे बैंक क्या करेगा उसको कंट्रोल करना है ठीक है ना हर कंट्री तो नहीं जाएगी कि सभी प्राइस रॉकेट हो जाए तो बैंक क्या करेगा वे? रेट हाईक करेगा वे. ये आप नेक्स्ट स्टेप पर जीएम उससे पहले इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करना है ताकि लोग ज्यादा खर्च ना करें मैं आपको एक स्टेप बैक, बैक लेके जाना चाहता हूं आप जो आंसर दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है रेट हाइक रेट हाइक इंटरेस्ट इंक्रीज पर उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ एक, एक स्टेप बैक आ जाइए कि खर्चा ज्यादा ना करें लोग सेविंग करें लोग सेविंग क्यों करेंगे जब तक इंटरेस्ट रेट उसको ज्यादा ना मिले इसीलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाएंगे ताकि आपको इनकरेज मिले आप बैंक में पैसा ज्यादा रखें देन उसको खर्च करें ठीक है जितना आप ज्यादा खर्च करेंगे उतना ज्यादा डिमांड बढ़ेगी इसीलिए बैंक अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करते चले जाते हैं ताकि आप बैंक के पास पैसा रखें आपके पास पैसा नहीं होगा आप खर्च नहीं करेंगे अंडरस्टूड क्लियर है तो फिर इसी वजह से बैंक रेट फिर रेट फिर इंटरेस्ट स्टीवन ओके जिन्यम ओके जेनम ओके, तो रिलेटेड है, है, है तो वो इफेक्ट आता है अब यहाँ पे एनजीडी यूएसडी में इसका मेजर इतना इंपेक्ट नहीं होता है एनजीडी यूएसडी में उस टाइम पर डेफिनेटली होगा उसके बाद डायरेक्शन कि हाँ

तो सभी कंट्री इंक्रीज कर रही है एक जगह पे जाकर वो रुकेगा वो देखना होगा उस टाइम पर फिर देखिए ठीक है तो डॉलर के लिए खतरा है पर डॉलर भी तो खुद इंक्रीज किया जा रहा है स्टार्ट उन्होंने ही किया है है ठीक आई होप आई एम क्लियर तो जैसे चीजें क्लियर करना चाहता था कि आपके फंडामेंटल्स यहां पर क्लियर हों फंडामेंटल्स के ऊपर कुछ वेबिनार किए भी हुए आगे भी डिटेल्स में टॉपिक में कवर करेंगे ताकि आपको समझ आ सके ये चीजें भी क्लियर हो फंडामेंटल के ऊपर भी अगर ट्रेडिंग करनी है तो कब करनी होगी डॉलर क्यों वीक हो गया है अभी अभी क्यों वीक हो गया है पी की न्यूज है बाकी चीजें भी है देखिए ये सप्लाई एंड डिमांड पर भी डिपेंड करता है फंडामेंटल्स ही नहीं आते हैं स्ट्रक्चर भी होता है ठीक है ओम तो कंटिन्यूसली डॉलर स्ट्रॉन्ग था अभी डॉलर क्यों वीक हुआ है आइए चलिए यहाँ पर देखते हैं सिंपल पेयर देखते हैं यूरो यूएसडी अगर मैं हाया टाइम पर जाऊं चलो डेली पे जाता हूं इस चार्ट को देख के आपको क्या लग रहा है डॉलर वीक था या डॉलर स्ट्रॉन्ग था ये यूरो यूएसडी देख रहा हूं चलिए मुझे बताइए यूरो यूएसडी को मैं देख रहा हूं इस चार्ट को देख रहा हूं ओम आप बताइए क्या डॉलर वीक था या स्ट्रॉन्ग था मार्च ओके ओम अब आप कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग अब <laughs> इतने टाइम पर स्ट्रॉन्ग था अगर एक दो हफ्ते में वो वीक हो गया है क्या ये इशू है अगर कोई सेल कर रहा है उसे कहीं पर जाकर तो बाई करना होगा अगर किसी ने कुछ बेचा है कहीं पर जाकर उसे खरीदना होगा अगर किसी ने कुछ खरीदा है कहीं पर जाकर उसे बेचना होगा मतलब पोजीशन तो क्लोज करनी होगी ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करेंगे अगर मैं यहां पर सेल कर अगर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग की बात करें जो बड़े ट्रेडर हैं अगर किसी ने यहाँ पर सेल किया होगा अगर वो यहाँ पर आकर अब उसे बाय करना शुरू कर रहा है अपनी पोजिशन क्लोज कर रहा है तो क्या उसमें इश्यू है अभी आना शुरू हुआ है ना हाँ तो कहीं पर तो आएगा हम बात कर रहे हैं जून ये जून देख रहे हैं हम कहां पर हैं नवंबर में है छह महीने हो गए हैं अब कहीं तो होगा ना समझ आ रहा है बिल्कुल अभी वीकनेस आना शुरू हुआ है अभी अभी आना शुरू हुआ इसका मतलब नहीं है कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है ठीक है अभी इसका मतलब क्लियरली हम समझिएगा यहाँ से स्काई रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा ठीक है इन्फ्लेशन सभी कंट्रीज में है सभी कंट्रीज उसको टैकल करना चाह रही है कैसे वही जैसे मैंने आपको इंटरेस्ट रेट का पूरा प्रोसेस समझाया तो यूएसडी भी इंक्रीज करेगा तो अभी ये फाइट चलती रहेगी फाइट चलती रहेगी अभी बाय इंक्रीज इंक्रीज लो इंक्रीज लो सभी जगह एक जगह पे सेटल होगा फिर जाकर आपको तो स्ट्रक्चर मिलेगा जब कहीं पर जाकर एक पॉइंट आएगा फिर वो इंक्रीज नहीं करेंगे क्योंकि मान लीजिए इंक्रीज करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं बीस हो गया तो अगर आप जिन्होंने क्रेडिट लिया हुआ है उनके लोन की इमा, ई भी अब जिसको बैंक को देना है पैसा जिनको दिया हुआ है, उनको भी तो उनकरना है बैंक एक जगह से लेता है जिनसे लेता है उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, है? स्कूटर खरीदा बैंक ने उसको फाइनेंस किया क्या वो छह परसेंट पर देगा दस परसेंट आठ परसेंट बारह परसेंट वहीं से वो कमाएंगे ना ठीक है ना अब वो उनकी इंटरेस्ट रेट की फिर हाइक भी होती है अगर उन्हें डिपॉजिट पर ही 6 परसेंट उनका डिपॉजिट का रेट इंक्रीज होता चला जाएगा तो लोन वाले का भी इंक्रीज होगा ना तो एक टाइम आएगा जब आप क्रेडिट लेने जाएंगे इंटरेस्ट रेट कितना है ट्वेंटी परसेंट क्या आप अफोर्ड कर पाएंगे आप क्रेडिट लेंगे या लोन लेंगे बताइए मुझे यस yes या नो नो no? थोड़े टिपिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये सेशन थोड़ा मैं डिफरेंट रख रहा हूँ आई होप आप बोर नहीं होंगे थ्योरी से थ्योरी भी आपको आनी चाहिए No? No? ये नो बोला है बिल्कुल ठीक है तो इसीलिए आप बोल रहे थे ओम से मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन लिखा था कि वीकनेस आ रही है थीके? तब तो आपने नहीं बोला जो ये स्ट्रेंथ आ रही है अब थोड़ा सा वीकनेस आई है ये तो आपको इशू हो रहा है हम्म सुपर सर डॉलर डाउन होगा तो गोल्ड कॉटन सोयाबीन क्रूड रेट बढ़ सकता है क्या बिल्कुल अगर डॉलर डाउन होगा तो गोल्ड डेफिनेटली ऊपर जाएगा उस पेयर को आप देखेंगे अगर मैं गोल्ड यूएसडी को देखता हूं अगर देखिए यहां पर भी क्या हुआ डॉलर स्ट्रॉन्ग था गोल्ड डाउन जाना शुरू हो रहा था तो अगेन आप यूरो यूएसडी में भी क्या है सेम पैटर्न है देखिए वो थोड़ा लंबा चल रहा है अभी थोड़ा रिकवरी हो रही है जीबीपी यूएसडी में रिकवरी हो रही है ओजी यूएसडी में रिकवरी हो रही है एनजीडी यूएसडी में भी इस तरीके से आप देख सकते हैं यूएसडी स्विस फ्रैंक सेम टाइप की करेंसी पेयर्स हैं ठीक है इसीलिए अप डाउन चलता रहता है क्लियर है सभी को थोड़ा फंडामेंटल्स क्लियर करना चाहता था ओके okay है यस yes. अभी कोई क्वेश्चन या फिर हम एनालिसिस में जाएं पेयर बाय पेयर जाएं कोई डाउट हो क्योंकि मेरे पास ट्रेड नहीं है इसलिए मैं वो दिखा नहीं पाऊंगा आज कोई ट्रेड नहीं दिया तो नहीं बता पाऊंगा इसलिए कुछ फंडामेंटल्स को मैं क्लियर करना चाहता हूँ टाइम नहीं वेस्ट होगा आप डेफिनेटली पर आएंगे तो 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 ये गारंटी है है कुछ सीख के जाएंगे ठीक सिर्फ सिर्फ सर सर उस फंडामेंटल पे तो ट्रेड नहीं कर सकते नहीं कर सकते हैं बिल्कुल क्योंकि फंडामेंटल को एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल रहता है ठीक है उसका मतलब ये नहीं कि न्यूज गुड आई तो आप बाई करेंगे न्यूज बैड आई तो सेल करेंगे बिल्कुल भी नहीं इस तरीके से कभी नहीं होगा हाँ स्ट्रक्चर के साथ फंडामेंटल को कंबाइन कर देंगे तो बेटर है मान लीजिए स्ट्रक्चर कह रहा है कि बाय के लिए अब सेटअप बन रहा है और न्यूज आ गई गुड तो मतलब ये कहीं सोने पे सुहागा हो गया चांसेस हैं हंड्रेड में से एटी परसेंट आप जाएगी बाय पर अगर स्ट्रक्चर कुछ नहीं कह रहा है न्यूज गुड आ गई और तो वो डिपेंड करता है मार्केट की सेंटिमेंट ये तो हर एक सिचुएशन अलग रहेगी फंडामेंटल के लिए। स्ट्रक्चर कह रहा है सेल न्यूज आ गई अच्छी और मार्केट कहाँ जाएगी उस टाइम पर तो वॉलेटिलिटी रहेगी ठीक है तो देखिए मैं आपको तीन सिनारियो दे दिए हैं इस चीज में फंडामेंटल के लिए अगर आप मुझे सुन रहे होंगे कोर्स ठीक है ना तो वो डिपेंड करता है मार्केट का स्ट्रक्चर सेंटीमेंट और न्यूज कैसी आई अगर वो न्यूज उस स्ट्रक्चर सेंटीमेंट को सपोर्ट करती है तो आपके लिए बेनिफिट ठीक है अगर नहीं है फिर डिपेंड करेगा कि मार्केट का सेंटीमेंट जहां पर बायर सेलर जिस जो डोमिनेट करेंगे वो मार्केट को वहां पर पुल करेंगे वो बायर भी हो सकते हैं वो सेलर भी हो सकते हैं न्यूज़ भले ही अच्छी आए या बुरी आए वो मैटर करता है क्लियर है यस या थम सब बताइए प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है असुतोष प्रोबेबिलिटी भी है देखिए प्रोबेबिलिटी वही है ना कि कितनी प्रोबेबिलिटी है आपकी एज कहां पर है आप उसको देखेंगे ना अगर मैं सिक्का उछालू फिफ्टी परसेंटी परसेंट टेल आएगा या uh, अब मुझे एज देखना होगा कि क्या मेरा एज फिफ्टी परसेंट से ज्यादा है जहां पर आपका एज ज्यादा होगा तभी आप उसपे अपनी कैपिटल लगाना चाहेंगे ना ओके okay. गाइज मैं आपके क्वेश्चन ही देखूंगा आज आपके डाउट ही देखूंगा ताकि आपको क्लियर कर सकूं और डिटेल में और फिर हम लास्ट ट्वेंटी मिनट्स देखेंगे अगर कोई सेटअप मिल रहा हो तो हम उसको देखेंगे ठीक है चलिए क्वेश्चन पे आता हूं मैं आगे न्यूज के अपोजिट मार्केट जाता है का क्वेश्चन है न्यूज के अपोजिट मार्केट जाता है मैंने बहुत कर देखा है सर नाइनटी परसेंट ऐसा होता है देखिए अपोजिट तभी जाएगा जब अगर स्ट्रक्चर और न्यूज अगर स्ट्रक्चर कह रहा है बाय करें

देखिए कितना काम करता है फिर मुझे रिजल्ट बताइए uh, okay, yes, okay. कम से कम सात से आठ स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की है। जो एंट्री के लिए भी है और हर बार जब वेबिनार करता हूँ अभी तक जब भी जो भी ट्रेड लेता हूँ वहां पर बताया हुआ है कैसे मैंने ट्रेड, ट्रेड लिया अगर आपने नहीं देखे वीडियोस देखिए काफी ट्रेडर हैं काफी फीडबैक आई है जो ट्रेडर हैं जो लूजिंग से प्रॉफिट में आ चुके हैं केवल यूट्यूब के वीडियोस देखकर ऑनेस्टली आपको फीडबैक दे रहा हूं मुझे जो फीडबैक मिलती है और उनमें से आप में से कहीं होंगे भी जो केवल मेरे यूट्यूब वीडियो को देखकर ही प्रॉफिट में है अगर है तो प्लीज जस्ट में बताइए ताकि जीएम कन्फर्मेशन हो सके जीएम नाम है आप ओके ओके okay, देखिए आशुतोष बोल रहे हैं मैं भी हूँ वीडियो देख के फिफ्टी परसेंट हनुमत रविदास जी सर सुब्रमण्य यस नरेश कुमार यस सर आए तो ये मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ ठीक है विशाल मेहता है सर बहुत कुछ सीखने को मिलता है तो थैंक यू गाइस मेरे लिए ये फीडबैक बहुत है मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपकी तरफ से अगर मैं आपकी एक परसेंट इम्प्रूवमेंट कर दूं आपकी ट्रेडिंग में बहुत है आपका गोल यही होना चाहिए कि जो मिस्टेक आपने कल की थी आप उस मिस्टेक को तुम्हारो ना करें कल को ना करें और वही एक परसेंट आपको पूरा ये नहीं कि गिलास को अप से डाउन करना है पूरा एक परसेंट डेली इंप्रूव करें गाइस अगर आप एक परसेंट डेली इंप्रूव करें महीने में कितना परसेंट इंप्रूव हो जाएगा Amazing, sir. Profitable analysis. Good. Thirty. कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो डाउट रहते हैं वेबिनार तो में क्लियर होते हैं डेफिनेटली तो इसलिए मैं आपके साथ हूँ यहाँ पर मैं छोड़ना नहीं चाहता जो है सीखना चाहते हैं गाय ये आपके लिए फ्री है आपको कुछ पे नहीं करना है ठीक है यस यस थर्टी 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 ठीक है थर्टी परसेंट आप इम्प्रूव कर जाएंगे इमेजिन कीजिए अगर आप ये फिलॉसफी लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें ट्वेंटी से ट्वेंटी वन ठीक है ओके थर्टी परसेंट अगर ये फिलोसफी आप डेली अप्लाई करें कि जो मिस्टेक्स मैंने आज की है वो मैं कल नहीं करूँ पर उसके लिए आपको क्या करना होगा पहले आपको पता करना होगा ना आपकी मिस्टेक क्या है मैं आऊं ट्रेडिंग करूं एक घंटा ट्रेडिंग करी दो घंटा ट्रेडिंग करी प्रॉफिट में गए लॉस में गए पता नहीं कल क्या था कल दोबारा से इसी तरीके से दस पंद्रह दिन निकल गए कुछ प्रॉफिट में गए कुछ लॉस में गए सीखा क्या क्या आपने उसको रिकॉर्ड किया क्या आपने उसको जर्नल किया मेरा जर्नल का वीडियो देखा है सॉरी गाइस थोड़ा ऑफ टॉपिक है मैं आपसे कुछ रियल बात करना चाह रहा हूँ इसीलिए आज ये डिटेल में इसी वजह से कर रहा हूँ छोड़िए आज चार्ट को आज इसी चीज पे बात करते हैं ओके आई होप आप ओके okay, अगर हम थोड़ा आपका डिटेल में इसी चीज पे बात करें ट्रेडिंग को करियर बना सकते हैं बिल्कुल बना सकते हैं स्टीवन क्यों नहीं बना सकते टाइम देना पड़ेगा अगर डॉक्टर बनना है जितना टाइम डॉक्टर के लिए देते हैं उतना टाइम दे दीजिए ठीक है और फिर मुझे बताइए अगर आपने सक्सेसफुल है या नहीं करियर बना सकते सर इट्स ओके ओके जी एम थैंक यू तो कंटिन्यू करते हैं हम चलिए इसी पर करते हैं जर्नल इंपॉर्टेंट है बिल्कुल तो जो मैंने बोला अगर आपने जो करा अगर आप उसको जर्नल नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी मिस्टेक से कुछ सीख ही नहीं रहे सीखना बहुत जरूरी है आपको सीखना पड़ेगा और सीखना कैसे होगा जब तक आपको पता नहीं जब तक आप किसी चीज को करेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि आप रॉन्ग कर रहे हैं या सही कर रहे हैं जब आप करेंगे आपको एक्सपीरियंस आएगा कि आपने ये रॉन्ग किया था ये गलत किया था क्या होता है साइकिल चलाना बचपन से सीखते हैं सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ ठीक है जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं कितनी बार गिरते हैं ठीक है कितनी बार उसको फिर साइकिल के ऊपर आ जाते हैं और चढ़ जाते हैं पर जो गिरने वाला एक्सपीरियंस है आप उसको भूल जाते हैं ना पर जो उसके ऊपर बैलेंस बनाने वाला एक्सपीरियंस है उसको हैंडल करना है, वो सेव होता जाता है आपकी मेमोरी में ठीक है सेम चीज ट्रेडिंग में अप्लाई होती है जो लॉस वाला एक्सपीरियंस है आप उसको गिव अप करना शुरू कर देते हैं जो प्रॉफिट वाला है वो स्टोर होना शुरू हो जाए एक बार आप उस फेज में आ गए फिर आप प्रॉफिट के लिए ही देखेंगे की, नहीं कि की, लूजिंग की और वो जब आपके दिमाग में एक बार स्टोर हो गया फिर आप राइट right ट्रैक पे आ जाएंगे वही उस बात को आपको फाइंड आउट करना है ओके सुब्रमण्यम मेंटेन भी कर रहा हूँ जर्नल एक्सलेंट बुक बिल्कुल गुड थैंक यू मेंटेन कीजिए मिस्टेक्स फाइंड आउट कीजिए, सिंपल एक परसेंट इम्प्रूव कीजिए बहुत है ठीक है ये मैराथन है स्प्रिंट नहीं है अगर सीरियसली देख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए देखिए एक महीना छह महीने में क्विक रिच स्कीम मत देखिए नहीं तो बहुत आते हैं और बहुत चले जाते हैं मैं बहुत देख चुका ठीक है ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन मेंटेन भी कर रहा हूँ ठीक है सर मुझे आ, सर मुझे मास्टर बनना है अभी मैं जीरो परसेंट हूँ ट्रेडिंग कोई बात नहीं टाइम दीजिए टाइम दीजिए आशुतोष हर चीज एक्सपीरियंस से आती है सो सोपन सर आप बहुत सारे तरीके से जानकारी देते हो बहुत लोग देखे हैं मैंने जो बोलते पंद्रह दिन कोर्स पंद्रह दिन कोर्स करो आपको बहुत प्रॉफिट होगा इतना ही नहीं है मैं एक्स वाई जेड पर्सन फोर डेज कोर्स करो बोल रहा है और आप डेली प्रॉफिट करोगे लेकिन मुझे पता है ऐसा नहीं होता है मैं दो से इसमें देखिए सिग्नल और जो कह रहे हैं जल्दी प्रॉफिट करें कुछ दिन तक चलता है ठीक है उसके बाद फिर वही सिंपल जो कहावत है डाक के तीन पार ठीक है वहीं पर आप आ जाएंगे और आप अपना और पैसा लूज करेंगे तो अगर आप इसमें रहना है कभी भी मत सोचिए देखिए बिगिनर्स लक भी चल जाता है कभी कभी आप इसमें देखिए ट्रेडिंग इतनी सिंपल है बहुत ही डेंजर प्रोफेशन है मैं कहूँगा आप किसी और प्रोफेशन में जाए बहुत सारा टाइम लगता है बहुत सारी चीज सीखनी पड़ती है ट्रेडिंग में आए क्या करना है बाई ये सेल बस अगर आप बाई ये सेल भी करें तो भी प्रॉफिट में आ सकते हैं बिगिनर कोई भी आ सकता है ना कोई भी बिगिनर जिसको कुछ नहीं पता है जिसको कुछ नहीं पता है अगर वो बाई या सेल करे लक उसका फेवर में है क्या वो पैसा कमा सकता है उस दिन आज यस तो क्या हुआ वो गैम्बलिंग हुई या ट्रेडिंग हुई क्योंकि ये इतना सिंपल है गैम्बलिंग हुई ना क्योंकि बिना नॉलेज के किया ठीक है ना बिना नॉलेज के किया लक फैक्टर था तो क्या आपको वो बनना है या आपको सीखना है तो हमें गैम्बलिंग नहीं करनी है गाय इस गैम्बलिंग में आप पता नहीं आप क्या करते आज लगाए जो भी थे दो हजार डॉलर ठीक है आज दिन करके ठीक है कल को क्या पता क्या होगा थे? तो सीखेंगे रिस्क मैनेज करेंगे क्या आपकी प्रॉब्लम आ रही है क्या एरर आ रही है एक्सपीरियंस से वो आएंगी अगर सरवाइव कर गए दो तीन साल इस बिजनेस में तो करियर बन सकता है क्या होता है

मैं बोल रहा था मैं वो टॉपिक लॉस कर गया जिस टॉपिक पे मैं बोल रहा था क्योंकि क्वेश्चन में देख रहा हूँ थैंक यू अनिता ओके टॉपिक मिस हो गया जिस पर मैं बात कर रहा था मैं जो कमेंट्स पढ़ना शुरू हो गया मुझे रिमाइंड किया क्या बोल रहा था थैंक यू थैंक यू ट्रेडिंग कैरियर देखिए हाँ अगर आपको ट्रेडिंग में कैरियर बनाना है, क्या होता है थैंक यू आपने याद दिलाया मुझे स्टीवन ट्रेडिंग में अगर आपको कैरियर बनाना है क्या होता है जो जो बिगिनर के साथ आता है, मेरे साथ साथ हैं मेरे मेरे भी था काफी लोग जो मेरे साथ जुड़े या मैं जिनसे भी मिला हूँ काफी लोगों से बात हुई है एक्सपीरियंस काफी है दो ही चीजें हैं जब आप स्टार्ट करते हैं आपके पास कैपिटल होती है भले ही वो हंड्रेड डॉलर हो टू हंड्रेड हर एक की अपनी फाइव थाउजेंड टू थाउजेंड अभी मेरे पास कैपिटल है एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेडिंग में प्रॉफिट में आ गया था तो क्या हो गया खून लग गया अब वहां पर बिगिनर लगता ट्रेड शुरू कर दिया अब बिना सीखे बिना किसी नॉलेज के आप उसमें लगे विन लूज होता रहेगा क्योंकि क्या है या तो विन होगा या लूज होगा और कोई चांस नहीं है यहाँ पर बिजनेस बहुत ईजी है और कुछ नहीं है माउस का बटन दबाना है बाय करें या सेल प्रॉफिट हो गया लॉस सिंपल ठीक है अब वो करते रहे करते रहे तो अब टाइम लगा आपकी कैपिटल खत्म हो गई अब जब तक आप कुछ सीखे दो तीन साल लगा आपको कि हाँ ये कुछ था ये कुछ सीखा ये ये मिस्टेक थी ठीक है तब तक आपकी कैपिटल खत्म हो थी अब आपके पास कैपिटल नहीं है अब आप एक्सपीरियंस आया दो तीन साल सर्वाइव दो अब कैपिटल नहीं है। तो मेरी एडवाइस क्या रहेगी दो तीन साल सरवाइव कर जाइए कम रखिए जब आप दो तीन साल के बाद अगर आपके पास कैपिटल रही तो आप लेवल पर जा सकते हैं पर उस टाइम तक आते आते बहुत सारे लोग गिवअप कर देते हैं कैपिटल नहीं होती है फिर ट्रेड के लिए क्योंकि तो वो लूज कर चुके हैं तब तक तो अगर आप बिगिनर फेज में हैं मैं कहूंगा सीखने पे जितना जोर दीजिए उतना ठीक है वही कैपिटल

इतना मत मतलूज कीजिए कि जब दो साल वो तीन साल में वो एक्सपीरियंस आए तब आपके पास कैपिटल ना हो ट्रेड कर या फिर आप इतने हो जाएं, ये ट्रेडिंग ट्रेडिंग है है आपके वो साइकोलॉजी ना बन जाए कि बकवास बेकार है, है क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोफेशन है फ्रीडम इतनी है जो सबसे ज्यादा वैल्यू मेरे लिए है फ्रीडम है गाइस आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं ट्वेंटी फोर आवर है जब आप ट्रेड करना चाहें तब कर सकते हैं इसीलिए मैं स्टॉक से ज्यादा एक्ट मार्केट ब्रोकर है क्या नहीं टिकमिल मार्केट ब्रोकर नहीं है देवेंदर ओके okay, सर जी आप बोलिए चैट बनती ओके थैंक यू सर एक डाउट है तरफ से. प्लीज क्लीज क्लियर करे, करें जब भी मैं सुबह ट्रेडिंग करने जाता हूँ मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि मैं प्राइस एक्शन पे ट्रेड करूँ या इंडिकेटर पे ट्रेड या चार्ट पैटर्न पे या मुझे पहले से सोच कर नहीं जाना है ट्रेड करना जो मिले उस पर ट्रेड करना है प्लीज अगर आप समझ समझा पाए क्वेश्चन आपने तीन चीजें यहाँ पर कवर कर दी ठीक है कि मुझे ये करना है ये करना है ये करना देखिएगा आप मास्टर बनिए एक चीज की और फिर दूसरी चीज को ट्राई कीजिए पहले तो एक चीज को फाइंड आउट कीजिए इस चीज को मुझे प्रैक्टिस करनी है जब तक आप एक को प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे आप दो पर नहीं जाए तो एक चीज को पकड़िए जो आपको बेस्ट लगती है फोकस कीजिए कि मैं छह महीने आसुतोस आपके लिए बोल रहा हूं उस चीज को ट्रीट करेंगे आप दूसरी चीज को नहीं पकड़े छ महीने में देखिए जर्नल कीजिए क्या हुआ रिजल्ट क्या आया बेटर है नहीं तब आप दूसरी पे जंप कीजिए बिगिनर में क्या होता है आज ये कर रहे हैं कल वो कर रहे हैं परसों कुछ और कर रहे हैं पता नहीं क्या कर ठीक है डीप नॉलेज थी समझ गए तो ठीक है पकड़ लीजिए नहीं तो छोड़ आप भी आपकी अभी तक जरा एक्सपीरियंस बताइए सर कैसा है सुब्रमण्य आपका अभी तक जा जा रहा जा रहा एक्सपीरियंस मुझे नहीं मेरा एक्सपीरियंस के लिए ऊपर मैंने पहला वीडियो बनाया है मैंने कैसे स्टार्ट किया सारा कुछ वो तो वहां पर देख सकते हैं जरा एक्सपीरियंस मुझे समझा नहीं अविनाश गैम्बलिंग के बारे में ओके सर मैं सेवनटीन ईयर का था तब से फोर एजुकेशन ले रहा हूँ और मैं अभी नाइनटीन ईयर्स का हूँ तो ओम गुड आप दो साल लगा चुके हैं ठीक है टाइम दीजिए आपके पास बहुत कुछ पढ़ाया अभी आगे सीखने के लिए आपकी उम्र बहुत कम है ठीक है तो अभी भी दो तीन साल समझ लीजिए जितना बेस आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतना बेटर है आपके फ्यूचर के लिए अभी आप सूर्य कुमार की बैटिंग देख रहे हैं ना न्यूजीलैंड के साथ मैच हुआ था कितने साल का है वो ओम बताइए आपसे पूछ रहा हूं तो ओम आपके दो क्वालिटी क्वेश्चन हो गए आज आपने पता चौतीस का पूछा है ठीक है चौतीस का डेब्यू किस साल में करा उसने इंटरनेशनल कैरियर में बत्तीस रैंकिंग क्या है उसकी बताइए टी ट्वेंटी रैंकिंग नंबर वन पर चल रहा है ठीक है अभी हो गया था रीच वन या टू, अगर टू हो गया तो मुझे पता नहीं पर वन था दो साल में नंबर वन बेस कितना है देखिए बत्तीस साल से कब उसने डेब्यू किया होगा रेंजी में कितने साल उसने खेला कितना स्ट्रॉन्ग बेस है अब उसके लिए कितना इजी है इधर मैनिकुलेट करना वो चीज मैं आपके लिए बोल रहा हूँ आप सेवनटीन से नाइनटीन दो साल बेस बनाइए

ओके हेमा सर मैंने आपके एक्स... लेके एक्स में अकाउंट ओपन करने की कोशिश की थी मालूम नहीं सर अकाउंट ओपन हुआ कि नहीं मुझे बताइए ईमेल में मैं चेक कर लूंगा ठीक है दीप किम राइट सर okay. कौन सी ट्रेनिंग सुनील क्लियर तो करें क्वेश्चन ओके सर लिस्निंग समझ गया ओके okay. सर मैं ऑल प्राइज एक्शन पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर ठीक है बिल्कुल ठीक है विशाल कोई भी सभी चीजें ठीक है भाई अगर कोलकाता से आपको अगर मैं कहूं गोवा जाना है क्या केवल एक ही रास्ता है मिसाल बताइए क्या केवल एक ही रास्ता है कितने रास्ते हो सकते हैं अब मैं आपसे पूछूं कौन सा रास्ता ठीक है क्या आप ये बता पाएंगे हर एक के लिए अपना अलग रास्ता होगा ना सभी रास्ते ठीक होंगे ठीक है तो अगर प्राइज एक्शन फॉलो कर रही है फॉलो तो कीजिए कम से कम टाइम तो दीजिए कम से कम उसे छह महीने एक साल दीजिए ठीक है सब चीजें ठीक है बट फाइंड आउट ये कीजिए कि आपके लिए क्या बेटर है ठीक है जो ए परसन के लिए बेटर है जरूरी नहीं कि वो बी पर्सन के लिए बेटर है और जो बी के लिए अच्छा है जरूर नहीं कि वो सी के लिए अच्छा है हर एक की पर्सनैलिटी अलग है हर एक का ट्रेडिंग स्टाइल अलग हो सकता है किसी को स्कैल्पिंग अच्छी लग सकती है किसी को इंटरडे अलग लग सकता है किसी को स्विंग लग सकती है कोई शॉर्ट टेम्पर हो सकता है कोई हाई टेम्पर हो सकता है कोई काम माइंड हो सकता है कोई लेजी पर्सन हो सकता है हर एक पर्सन की पर्सनैलिटी के हिसाब से आप फाइंड आउट करें और जब तक आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे एक्सपीरियंस नहीं करेगा ये आपको आपके साथ में काफी कर चुका हूं शेयर जो आपको बढ़िया लगे उसके बेस परियूष हाउ टू आइडेंटिफाई फ्रेक पियूष इसके ऊपर डिटेल में वेबिनार हो चुका है जाइए मेरे पिछले वीडियोज में देखिए जो ब्रेकआउट है सपोर्ट रेसिस्टेंस कौन सी होल्ड करती है कौन सी नहीं करती है उसके ऊपर आपको बताया हुआ है आ, सर मैं भी 1.6 1.6 मंथ मंथ देख चुका okay? देखिए क्या सीखा आपने जर्नल किया या नहीं किया क्या मिस्टेक्स की क्या एक्सपीरियंस रहा कुछ निकाल पाए उसके ऊपर ठीक है देखिए एनालाइज कीजिए साल के आखिर में बैठिए कितने ट्रेड लिए कितने प्रॉफिट में गए कितने लूजिंग में गए मेरे पॉडकास्ट देखिए अगर दस पंद्रह पॉडकास्ट डाले हुए हैं पर एक अच्छा टॉपिक डाला हुआ है लूजिंग और प्रॉफिट के ऊपर आपकी अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं जिंदगी बदल सकता है अगर आप सुनना चाहें अगर आप इस कुछ लोग हैं जो बार बार उन एपिसोड्स को सुनते हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं तो जस्ट फ्री नॉलेज है तो उसको डिवेल्यू मत कीजिए ठीक है अजिंका सर आपका एनालिसिस बहुत अच्छा है पर एंट्री और एग्जिट नहीं कर पाता है एंट्री एग्जिट के लिए स्ट्रैटेजी बताई हुई है अजिंका तो उनमें से किसी को भी देख लीजिए छोटे टाइम फ्रेम में जाकर जो अप्लाई कर सकें अब सात आठ एंट्री बताई हुई है हर बार जो वेबिनार करता हूँ उनकी के बेस पे मैं एंट्री जो मैंने ट्रेड ली है एंट्री उनके बेस पे करता हूँ तो रिपीट कर लीजिए एक बार एक महीना दीजिए इसी को कि आज वो वेबिनार देखते हैं एंट्री देखते हैं और उनको रिपीट कीजिए बार बार जितना रिपीट करेंगे उतना वहाँ पर घुसता चला जाएगा ठीक है ओके okay, नीता साजु तो मैं नहीं। सर प्लीज ओके okay, मानसू सर प्लीज एनालाइज फोर आवर गोल्ड सेल एंट्री टारगेट ओके okay, आता हूँ मानसू इसी के ऊपर जस्ट मैं लास्ट के ट्वेंटी थर्टी मिनट्स में इसी के ऊपर रखना चाहता हूँ कुछ एनालाइज भी कर सकूँ ठीक है विशाल मनीता बहुत ओके फोर एक्स में मास्टर बनना है आपके जैसा अभी बिगिनर हूँ आपके जैसा अभी मैं बिगिनर हूँ मैं मैं भी अपने आप को बिगिनर ही मानता हूँ ओके okay. मार्केट मेकर और एनडीटी ब्रोकर में क्या डिफरेंस है देखिए कुछ ब्रोकर हैं जो मार्केट मेकर हैं कि मार्केट मेकर का मतलब ये कि आप उसको गलत मत समझिए गाइस देखिए कहीं से जो प्राइस है जो बैंक हैं वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं फिर ब्रोकर आते हैं ब्रोकर आपको फिर ट्रेडिंग के लिए देते हैं ठीक है थीके? अब ब्रोकर क्या होता है कोई भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर हो सकते हैं फिर वो नहीं चाहता कि डायरेक्ट ऑर्डर आपके जाए वो अगर उनको ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं आपके ऑर्डर आपके अगेंस्ट में बाई सेल कर सकते हैं ठीक है थीके? पर ब्रोकर ये नहीं चाहेगा कि वो आपके अगेंस्ट में ठीक है थीके? अगर आप ये कहना चाहें तो हर एक केस में सिनारियो अलग है मार्केट मेकर है तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्रोकर बेकार है ठीक है अगर आपके साथ कुछ स्कैम हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम है कि आपने स्टॉप लॉस कहीं पर लगाया था वो हिट नहीं हो और प्रॉब्लम है तो फिर वहां पर मैनिकुलेशन होती है वो फिर अनरेगुलेटेड ब्रोकर करते हैं ठीक है तो मार्केट मेकर का मत ये मत समझिए कि ब्रोकर बेकार सर uh, आप के अकाउंट पर ट्रेड रिस्क कितना रखते हैं देखिए वहां पर मैं ट्रेड एक या दो दिन ही करता हूँ वो मेरी प्रायोरिटी नहीं है वहाँ दो या तीन परसेंट रिस्क लगाना है और उसके हिसाब से ट्रेड अकाउंट को बिल्डअप करना है जितना छोटा अकाउंट है रिस्क कम रखिए दो तीन परसेंट और बिल्ड करते रहिए लॉन्ग टर्म के लिए आप देखते हैं विशाल ओके सर बहुत थैंक्स पूरा डाउट आज क्लियर हुआ प्रैक्टिस और भी अच्छे से करूंगा थैंक यू विशाल अभी दास्त है सर मैं सर मैंने तीन बार सुना है सभी के सभी ओके सुनिए कंटिन्यू कीजिए दे, देवेंद्र मार्केट मेकर ओके हो चुका है एक्स मार्केट बिल्कुल है ओके फॉरेक्स मार्केट में ट्रैपिंग होता है क्या होता है डिपेंड करता है किस ब्रोकर से आप कर रहे हैं सर फॉरेक्स ब्रोकर क्या सब ब्रोकर कैसे बनते हैं के सब ब्रोकर कैसे बनते हैं थोड़ा क्वेश्चन क्लियर नहीं है मुझे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है इस बड़ा आपको डिमांड एंड सप्लाई के साथ मैं कोशिश करूंगा करूँगा नए साल से इस टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो आपके साथ देखे आऊप किम का ये क्वेश्चन है तो इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है तो चलिए एक नया नाम दिया है जो चीज मैं समझता हूँ मैं अपने तरीके से आपको समझाऊ ठीक है तो एक सीरीज स्टार्ट करूंगा मैं यूट्यूब पर और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसको एजुकेशन दूंगा ओके प्रॉमिस करता हूँ आपके साथ ओके मॉर्निंग uh, okay. uh में ही टिकमिल और पेपर स्टॉक की कैंडल में डिफरेंस था देखिए हर एक ब्रोकर की कैंडल में डिफरेंस रहेगा ठीक है पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये ब्रोकर ठीक है या ये ब्रोकर सही है ये बेंचमार्क आप डिसाइड कर रहे हैं कि इसकी कैंडल में uh, डिफरेंस है आपने पहले से साइकोलॉजिकल सेट कर लिया है कि ये ब्रोकर ठीक है ये गलत है ठीक है फॉरेक्स सेंट्रलाइज नहीं है ठीक है हर एक ब्रोकर को जो प्राइस मिलते हैं जिस लिक्विडिटी प्रोवाइडर से मिलते हैं वो आपको पास आउट करते हैं फिर वो अपने स्प्रेड चार्ज करते हैं हर एक ब्रोकर का अपना स्प्रेड रहेगा और वो डिफरेंसेज रहेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि ये ब्रोकर का प्राइस ठीक है ये गलत है या ये नहीं ठीक है

सर नेक्स्ट वेबिनार कब है नेक्स्ट वेबिनार बोर हो गए शायद रविदास पूछ रहे हैं नेक्स्ट वेबिनार कब है अगर बोर हो गए हैं ओके कोई बता देता हूँ फिर भी हमारा नेक्स्ट वेबिनार आपका मंडे होगा जो ट्वेंटी एट को है ठीक है नाइन पी से अगर बोर हो गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है काफ़ी मैं थोड़ा चीज़ें ऊपर से जा सकती हैं सर मैंने आपकी वीडियो को देखने के लिए ही प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिया यूट्यूब का ओके अखिलेश थैंक यू ऑर्डर ब्लॉग भी स्मार्ट nice, मनी okay मैं टाइम देख लेता हूँ okay, कुछ गोल्ड के लिए पूछ रहे थे है ना तो दस मिनट है हमारे पास आज थोड़ा क्वेश्चन पे फोकस कर रहा था गोल्ड में कह रहे थे मुझे नहीं पता किस टाइम फ्रेम में गोल्ड में कौन पूछ रहा था क्या पूछ रहे थे जल्दी बोलिए दोबारा से पूछिए क्वेश्चन काफी आते हैं गाइस मैं नहीं रिप्लाई कर पाता हूं जब ये यूट्यूब पर जाएगा आप वहां पर कमेंट्स में आ, पूछेगा मैं डेफिनेटली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा थोड़ा लेट हो सकता है पर जरूर आपको रिप्लाई मिलेगा ठीक है हिमांशु राव सर प्लीज एनालाइज फोर आवर ओके गोल्ड में सेल एंट्री आपने ली है वन सेवन फोर एट वन सेवन फोर एट ठीक है एंड टारगेट सेवन सेवन टू फोर 724. Or should I extend the target to 1714? Okay, interesting question. 1714. And your thoughts upon FOMC meeting on Thursday. Okay. Up. जो आ, जो टारगेट है डेफिनेटली इस एरिया में रख सकते हैं मार्केट इस एरिया में यहाँ पर आ सकती है जिस तरीके से अभी यहाँ पर देखिए मैंने अभी अपना फोरकास्ट दिया है आपको वहां पर इसका आंसर डेफिनेटली मिल जाना चाहिए कंटिन्यूसली मार्केट इस एरिया में जा सकती है एफ से पहले अगर आपका टारगेट हो जाता है ठीक है नहीं होता है फिर आप इसको देख सकते हैं ट्रिल कर सकते हैं ओके शिवा फोरकास्ट देख लीजिए मेरा फोरकास्ट बनाया हुआ है गोल्ड के ऊपर सभी जो आज रिलीज किया है यूट्यूब पर देख लीजिए ठीक है

सर गोल्ड सेल किया हूँ वन आवर में वन थर्टी थ्री सेवन ठीक है गाइज अगर आपने सेल किया है यहाँ पर आपने कहीं पर भी इस मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर इस लेवल पर कहीं पर भी आपने सेल किया है कंटिन्यूसली आप जा रहे हैं नेक्स्ट आपकी जो आप देख सकते हैं वो इस लेवल जो आपने बताया देखिए इस लेवल के आसपास मेन जो है टारगेट आप इस लेवल में देख सकते हैं अगर कोई मेजर न्यूज नहीं आती है डेफिनेटली आप यहाँ पर इस टारगेट को रख सकते हैं ठीक है कर सकते हैं आप अपने स्टॉप लॉस को, अगर आप करना okay, का है, अग, अगर ट्रेडर लेता है, अगर अगर लेता तो क्या मार्केट मेकर होने के कारण मैनुपलेट करेगा तो आप विजिबल हो जाएगा ठीक है कि एक या दो रेट चलिए नहीं है पर जब आप कंटिन्यूसली ट्रेडिंग करेंगे तो हो सकता है पर जब आप बड़े लेवल के ट्रेडर हैं आप कितना उनके लिए तो ये बहुत छोटी अमाउंट है पांच सौ डोल हजार डोलर दस हजार डोलर कोई बड़ी अमाउंट नहीं है वो क्यों चाहेंगे कि उनका एक जो रेगुलर ट्रेडर है जिससे वो अर्न करते हैं अगर कोई मैं कंपनी हूँ मेरा कोई एम्प्लॉय एम्प्लॉई है जो मुझे अर्न करके देता है मैं क्यों चाहूंगा कि मैं उसका पैसा मारू ताकि वो जैसे वो अंडे और मुर्गी वाला एग्जाम्पल है ठीक है जो मेरे को रोज मुर्गी अंडा दे रही है तो दे नहीं दीजिए अगर मैं आज उसको खत्म करना चाहूंगा और सारे लेने की वो एक आपने स्टोरी सोची होगी तो वही केस है तो वो क्यों चाहेंगे कि कि आपको मैंने? वो वो चाहेंगे आप उनके साथ जितना लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे मार्केट मेकर ताकि वो आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास नहीं जा रहे हैं आपके ऑर्डर आपको उसी टाइम पर फिल आउट करके दे रहे हैं ताकि आपका ऑर्डर फिल हो ये केवल वही रेगुलेटेड ब्रोकर जो कि रेप्यूटेड है उनके लिए सभी ब्रोकर के लिए मैं बोल रहा हूँ ठीक है तो जो ब्रोकर मैंने सजेस्ट किया मैं पर जा सकते हैं ये मेरी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जो मैं यूज करता हूँ कर तो वॉल्यूम पे एनालिसिस करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करें वॉल्यूम कर, टिक वॉल्यूम होता है तो किस टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं आप सर मुझे फोरकास्ट नहीं मिल रहा है फॉर एक्सलरी कनेक्ट डॉट कॉम अनिता मेरी यूट्यूब पर जाइए चैनल पर और आज ही वीडियो रिलीज किया है ठीक है अनिता